ये स्टूडेंट्स हम प्रोडक्शन फंक्शन पर बात कर रहे थे तो आज हम उस कॉन्टेक्स्ट में सप्लाई शॉक्स को डिस्कस करेंगे सप्लाई शॉक्स क्या हैं सप्लाई शॉक्स को आप प्रोडक्टिविटी शॉक्स कह सकते हैं ये बेसिकली आपको बताएंगे कि आपका प्रोडक्शन फंक्शन किस तरह से अफेक्ट हो रहा है उसमें क्या चेंज आ रही ठीक है सप्लाई शॉक्स जो है ये आउटपुट को बताएंगे कि फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट्स हाउ मच मोर आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड ओके पॉजिटिव सप्लाई शॉक्स का मतलब ये होगा कि विद द गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट्स वी कैन प्रोड्यूस मोर आउटपुट और नेगेटिव का मतलब ये होगा कि विद द सेम अमाउंट ऑफ इनपुट्स नाउ वी आर एबल टू प्रोड्यूस लेस यूनिट्स ऑफ आउटपुट इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं वेदर फॉर एग्जांपल फ्लड्स जैसे आ जाएं अगर तो ए, दिस विल बी अ टाइप ऑफ नेगेटिव सप्लाई शॉक इन्वेंशन इनोवेशन जो हैं ये यूजली पॉजिटिव सप्लाई शॉक्स होंगी गवर्नमेंट समटाइम्स रेगोलेशन चेंज हो जाती हैं तो ये भी आपके प्रोडक्शन फंक्शन को अफेक्ट करती हैं ऑयल प्राइस रिसेंट जो आप देख रहे हैं यूक्रैन और रशिया की वार के नतीजे में कमोडिटी प्राइस ऑयल प्राइसिस चेंज हो गई तो ये ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं ये समटाइम्स आपके प्रोडक्शन फंक्शन को पॉजिटिवली अफेक्ट करती हैं समटाइम्स समाइम्स पॉजिटिव का मतलब ये ऑयल प्राइसेस कम हो जाएंगी तो इस, इसका मतलब ये है कि आपका प्रोडक्शन फंक्शन पॉजिटिवली अफेक्ट होगा और बढ़ जाएंगी तो वो नेगेटिवली अफेक्ट होगा सो इसको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी हम डिस्कस कर सकते हैं ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सेवनटीन मॉड्यूल में हमने नॉन लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस किया था तो ये वही एग्जाम्पल हम कैरी कर रहे हैं सो वाईजल टू ए एन रेस्ट पर एल्फा ए की वैल्यू ट्वेंटी है और एल्फा इज पॉइंट फाइव सो सप्लाई सपोज हम कर रहे हैं कि देर इज़ अ पॉजिटिव सप्लाई शार सो पॉजिटिव सप्लाई शार्क में क्या होगा वैल्यू ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी ठीक है प्रीवियस में ये ट्वेंटी थी और अब ड्यू टू सम पॉजिटिव शार इट हैज़ इंक्रीज टू थर्टी पॉजिटिव सप्लाई शॉक में क्या होगा दो चीज़ें होंगी एक तो प्रोडक्शन फंक्शन अपवर्ड शिफ्ट कर देगा। सो so, ये जो सॉलिड लाइन है ये आपका बिफोर द शॉक आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन है सॉलिड लाइन और ये जो ब्रोकन लाइन है ये आपके पास आफ्टर द शॉक प्रोडक्शन फंक्शन है ये अपवर्ड शिफ्ट हो गया अपवर्ड शिफ्ट होने में दो बातें आप नोट करेंगे एक तो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल विद विद दिस नाइन यूनिट्स ऑफ वर्कर्स बिफोर द शार्क वी वर प्रोड्यूसिंग वी वर हैविंग सिक्सटी यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड आफ्टर दिस शार्क नाउ वी आर एबल टू प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ सिक्सटी नाइन्टी यूनिट्स हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं ये सारी वैल्यूज आप इन इन इस प्रोडक्शन फंक्शन में एंड की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके यू कैन आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगे एन की वैल्यू ऑफ़ नाइन रखेंगे नाइन का अंडर रूट थ्री है तो ट्वेंटी इंटू थ्री सिक्सटी सो बिफोर शॉक वी वर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ आउटपुट और जब थर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन्टी यूनिट्स ऑफ आउटपुट तो इसमें दो बातें एक तो ये है कि विद द सेम लेवल ऑफ वर्कर्स नाइन के साथ नाउ वी आर एबल टू प्रोड्यूस मोर इंस्टेड ऑफ सिक्सटी वी कैन प्रोड्यूस नाइनटी यूनिट्स ऑफ आउटपुट और दूसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है यूजअली ये होता है कि हम प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर सकते हैं और हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ हो जाती है पॉजिटिव सप्लाई शॉक में और नेगेटिव में ये डिक्रीज़ हो जाती है कैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये जो बिफोर द शॉक वाली सॉलिड लाइन है इस पर अगर आप देखेंगे तो जब हम चार यूनिट्स इसके, इसके इस्तेमाल कर रहे थे वर्कर्स के तो आपके पास आउटपुट फोटी थी और नाइन पर आउटपुट आपकी सिक्सटी है इसका मतलब ये है कि इस अरस में जब आपने फाइव यूनिट्स इंक्रीज किए आउटपुट वर्कर्स के तो आउटपुट में कितनी इंक्रीज हुई ट्वेंटी तो ट्वेंटी को फाइव से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जा जाएगा दैट इज़ फाइव लेकिन शॉक के बाद आप देख रहे हैं कि आपके पास फाइव यूनिट्स जब वर्कर के आप इंक्रीज करते हैं तो आपकी आउटपुट सिक्सटी से नाइन्टी पे चली जाती है कितनी चेंज आई थर्टी की थर्टी को आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा फाइव से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर सिक्स आ जाएगा पहले आंसर कितना था फाइव था तो इसका मतलब ये है कि इस शॉक की वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी फोर से फाइव होगी फाइव से सॉरी सिक्स होगी सो ये ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दो बातें मैं इसको दोबारा दोहरा रहा हूँ कि एक तो पॉजिटिव शॉक की वजह से विद एनी गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट्स वी कैन प्रोड्यूस मोर आउटपुट इफ़ द शॉक इज़ पॉजिटिव ठीक है और दूसरा ये है कि आपकी ईच एडिशनल यूनिट ऑफ वर्कर इज़ नाउ एबल टू तो प्रोड्यूस मोर आउटपुट माजम प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो जाती है और टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो जाती है सो ये अब आप बात आपने याद रखनी और फिर हम फर्दर जो हमारे लेसनस होंगे उनमें हम इसको यूज़ करेंगे कि पॉजिटिव सप्लाई शाक और नेगेटिव सप्लाई शाक इनकी कॉजेस के हैं और इनसे क्या क्या इकोनॉमी किस तरह से इफेक्ट होती है थैंक यू वेरी मच